सो हेलो एवरीवन, ये है ओसवाल एग्रो मील्स के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस शेयर के टोटल इनकम से। ईयरली बेसिस में जो इनकम यहाँ पर जनरेट हुई थी वो 292 लाख थी, जो अब यहाँ पर डिक्रीज़ होकर 245 लाख यहाँ पर हो गई है। क्वार्टरली बेसिस में इनकम डिक्रीज़ हुई है। टोटल एक्सपेंसिस जो है ईयरली बेसिस में 284 लाख थे, जो अब यहाँ पर डिक्रीज़ होकर 179 लाख यहाँ पर हो गए हैं। यानी इनकम के साथ साथ जो है एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हुए हैं। आगे हम इस शेयर के जो है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी देख लेते हैं। तो 3.37 लाख इस शेयर का ईयरली कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था, जो बढ़कर अब यहाँ पे 29.90 लाख इस शेयर का यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस में हो गया है। आगे हम इस शेयर के अर्निंग पर शेयर को भी देख लेते हैं। 0 पैसे इस शेयर का यहाँ पे ईयरली बेसिस में अर्निंग था, जो अब यहाँ पर 2 पैसे हो गया है। ओवरऑल तो यहाँ पे रेवेन्यू इतना कुछ खास जनरेट नहीं हुआ है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और अर्निंग ठीक है यहाँ पे। और वैसे जो शेयर का प्राइस है अभी 27.40 रुपये है। तो आप इस शेयर को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहते हैं तो 1 मंथ के अराउंड यहाँ पर इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही जो शेयर का प्राइस है थोड़े यहाँ पर 28 और 29 रुपये के अराउंड पहुँचता है, वैसे तो इस शेयर को मैक्सिमम आप 3 मंथ्स के लिए होल्ड कर लीजिए, और 30 रुपये जब इसका प्राइस पहुंचता है तो सेल करके आप इस शेयर से एग्जिट भी ले सकते हैं।